सब्सक्राइब करें कुक विद सोफिया को और बेल आइकन को भी प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जल्दी की रेसिपी देने जा रही हूँ जो कि एक ट्रेडिशनल डिश है। हमने अक्सर देखा होगा इसे डिज़र्ट के रूप में शादियों में सर्व करते हुए और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। इसे मीठे चावल भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इन मीठे चावलों यानी कि जर्दा को इजली घर पे कैसे बना सकते हैं और उन्हीं शादियों में मिलने वाले जर्दा का टेस्ट हम घर पे कैसे ला सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे एक कप चावल लिए हैं, ये बासमती चावल हैं। इसे मैंने एक घंटे के लिए भिगो दिया था। तो अब मैं इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। तो मैंने इसे ड्रेन कर लिया है और मैंने इसे इसलिए भिगोया था क्योंकि चावल भिगोने से बहुत ही खिले खिले बनते हैं, आप बिना भिगोए भी बना सकते हैं। तो मैंने एक पतीले में पानी गैस पे रख दिया है। ये चावल जितने हमने लिए हैं उसका 3 गुना ज़्यादा पानी लेना है। तो पानी भी उबल चुका है, अब हम अपने चावल इसमें डाल देंगे। चावलों को डालने के बाद हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे पकाना है 10 मिनट के लिए। हमें इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, ना ही 100% कुक करना है। हमें इन्हें 90% तक ही कुक करना है क्योंकि ये चावल बाद में भी थोड़े से पकने हैं। तो आप देखेंगे कि 5 मिनट बाद ही ये 50% तक कुक हो चुके हैं क्योंकि ये भिगोए हुए थे। अब हम इसमें ऑरेंज फूड कलर मिक्स कर देंगे। आप इसमें रेड कलर भी मिक्स कर सकते हैं बट मैंने इसमें ऑरेंज कलर मिक्स किया है क्योंकि मोस्टली ज़र्दा जो है ऑरेंज कलर का ही होता है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ऑलमोस्ट ये कुक हो ही चुका है, थोड़ी देर और पकाने के बाद इसे हम ड्रेन कर लेंगे। तो चावल 90% पक चुके हैं, मैंने इन्हें ड्रेन कर लिया है। अब एक पैन लिया है मैंने, गैस पर रख दिया है उसे। पैन के गर्म हो जाने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून देसी घी डाल दूंगी। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप वनस्पति घी का भी यूज़ कर सकते हैं। घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 2 लौंग और 3 हरी इलायची डाल देंगे। इन्हें थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें डायरेक्ट ही राइस डाल देंगे। याद रखें फ्लेम बिल्कुल लो पे रहना चाहिए इस टाइम पे। और राइस डालने के तुरंत ही बाद हमें इसमें चीनी भी ऐड कर देनी है। ज़्यादा लेट नहीं करना, नहीं तो ये नीचे से लग सकती है। आप चाहें तो इलायची और लौंग का तड़का आप उसी पैन में भी डाल सकते हैं जिसमें हमने चावल रखे हुए थे। मैंने इसे इसी में बनाना था, इस पैन में, डैट्स वाई मैंने इसमें इसे डाल दिया राइस को। नहीं तो आप इस तड़के को ही उस पतीले में डाल सकते हैं और उस पतीले में ही चीनी भी डालकर पका सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जैसे कि इसमें आलमंड है, काजू है और थोड़े से हैं सूखे नारियल जिसे मैंने काट लिया है छोटा छोटा सा, इसे मैं मिक्स कर दूँगी इसमें। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो आप इसमें नारियल ज़रूर ऐड करें, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जर्दे में नारियल ज़रूर डालना चाहिए क्योंकि ये जर्दे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। अब मैं यहाँ पे केवड़ा एसेंस, केवड़ा जल, जो भी आप कह लें, उसे 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मेल्ट हुई हुई चीनी अभी भी आप देख सकते हैं साइडों में। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे हम और 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं गाइस, आप देख सकते हैं हमारा जर्दा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी और यमी जर्दा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैंने इसकी गार्निशिंग थोड़े से फ्रेश चेरीज़ और चांदी के वर्क से कर दी है जिससे कि ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में भी और टेस्ट में तो बेस्ट है ही। आई एम श्योर गाइज, आपका भी खाने का मन करने लगा होगा, तो जाइए और झटपट से इसे ट्राई कीजिए। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
चलती हूँ गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूंगी आपसे ऐसे ही नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू सो मच। मेरी और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए क्लिक करें यहाँ पे और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल कुक विद सोफिया।